उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस लंबे समय से धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रख्यात है। गीता प्रेस को धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का एक बहुत बड़ा केंद्र कहा जाता है। गीता प्रेस अभी तक 95 करोड़ से भी अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक पुस्तकों का 15 भाषाओं में प्रकाशन करता है। इसी कड़ी में गीता प्रेस ने हनुमान चालीसा का प्रकाशन पंजाबी भाषा में शुरू किया है। हनुमान चालीसा को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करने की ये पहल गीता प्रेस ने इसकी बढ़ती मांग के बाद की है। गोरखपुर में जो गीता प्रेस है वो एक तरह से आप मान के चलिए कि ये विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। अभी हम 15 भाषाओं में छाप रहे हैं, 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं। ये 101 वर्ष अपना व्यतीत कर चुका है। जब शताब्दी वर्ष का प्रारंभ था तो तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए थे शुभारंभ करने के समय, और जब शताब्दी वर्ष का समापन था तो देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। और अगर पुस्तकों की संख्या देखी जाए तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 95 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। अगर एक साल का देखा जाए तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी बीता है, इसमें 3 करोड़ से अधिक पुस्तकें हम लोग प्रकाशित किए हैं। मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 137 करोड़ रुपए के आसपास इसका मूल्य आता है, और मांग में हमारे जितनी वृद्धि हो रही है उस हिसाब से हम पुस्तकें दे नहीं पा रहे हैं। इसी क्रम में सूरत से एक सत्संगी हैं और हम लोगों के गीता प्रेस के शुभचिंतक हैं, तो उनका फ़ोन आया कि पंजाब में पंजाबी में हनुमान चालीसा का प्रचार प्रसार करना है। इसके लिए कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था। हम लोगों ने कहा कि देखिए, जो हमारा हनुमान चालीसा प्रकाशित हो रहा है वही पाठ हो, और जो हमने अपना अनुवाद दिया है वही अनुवाद हो, इसको चेक कर लीजिए तो हम लोगों को प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ आ गया था, उसके बाद भी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा नहीं, इस बात को देख लिया गया है कि जो हनुमान चालीसा का मूल पाठ है वही है जो गीता प्रेस से प्रकाशित हो रहा है, और अर्थ भी वही है जो गीता प्रेस से प्रकाशित हो रहा है, केवल इसका जो गुरुमुखी में है, जो हम देवनागरी में छापते हैं ये गुरुमुखी में है। तो पहले उनका आया था कि 20,000 प्रतियाँ प्रकाशित कर ली जाएँ, 15,000 किसी को चाहिए, हम लोगों ने 5,000 सोचा कि अपने लिए छाप लें, लेकिन फिर बाद में उनको आया कि नहीं, वो लोग 25,000 प्रतियाँ चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने 30,000 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें से 25,000 जालंधर में जा चुकी हैं, एक जगह 15,000, एक जगह 10,000, और बड़े पैमाने पर पंजाब में इसके प्रचार करने की उन लोगों की योजना है। और गीता प्रेस ने भी उनको आश्वस्त किया है कि आप जितनी मात्रा में हनुमान चालीसा चाहेंगे प्रचार प्रसार के लिए, और हम उतनी मात्रा में आपको उपलब्ध कराएंगे हनुमान चालीसा। यदि हमारे यहाँ पुस्तकों की जितनी मांग है उतना छाप के दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह जहाँ पहली बार किसी पुस्तक का प्रचार हो रहा हो तो वहाँ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे पहले भी पंजाबी में हम 3 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें एक हमारा अच्छा ग्रंथ है स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का गीता प्रबोधनी, उसको प्रकाशित कर चुके हैं, और दूसरा संस्करण भी उसका कर चुके हैं, लेकिन ये हनुमान चालीसा का तो लग रहा है कि इसकी अच्छी मांग हो सकती है। तो सर, इसका प्राइस वगैरह क्या है और इसका जो पुस्तक का प्रकाशित करने का तरीका जो है? हनुमान चालीसा जैसे हमारी पैकेट साइज की प्रकाशित होती है वही है, सब चीज़ वही चित्र है, मूल्य भी जो नियंत्रित है, कोई पंजाबी में पहली बार छापने पर हम लोगों ने कोई मूल्य में वृद्धि नहीं की, 5 रुपये भी उसकी भी कीमत है, और उसमें भी जो लोग ले जाते हैं उनको जो नियमानुसार डिस्काउंट वगैरह है वो भी दिया जा रहा है, ताकि प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से हो सके। आपको बताते चले कि पंजाबी भाषा से पहले गीता प्रेस हनुमान चालीसा का प्रकाशन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में भी कर चुका है। इस समय गीता प्रेस 1800 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है।